दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय धर्मवीर ज्वेलर्स नादौन हमीरपुर। बरसात का मौसम शुरू होते ही उद्यान विभाग ने लोगों को फलदार पौधे बांटना शुरू कर दिए हैं, ताकि लोग समय पर पौधे लगा सकें। पौधे लगाने का आजकल सही समय चल रहा है। उद्यान विभाग ने सभी ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक पौधों की पहली खेप भेज दी है, ताकि लोगों को घर द्वार के नजदीक बेहतर क्वालिटी के पौधे मिल सके। इसके अलावा फलदार पौधों के रेट में इस बार 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि उद्यान विभाग हमीरपुर इस बार जिला भर में 42,000 के करीब फलदार पौधे लगाएगा। विभाग ने जिला के सभी ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक फलदार पौधों की पहली खेप भेज दी है, ताकि लोगों को घर द्वार के नजदीक बेहतर क्वालिटी के पौधे मिल सके। जो है अभी तो स्टार्टिंग हुई है कल से, इसमें आम के दशहरी के पौधे हैं, गलगल के हैं, नींबू और कटहल के हैं, और बाकी पौधे जो है कुछ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमें आवंटित जो वहाँ से लौट हुए हैं, तो वो हम जा रहे हैं। तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसका अच्छा टाइम है जो लगा सकते हैं। जो पिछले साल की इस बार जो है तो 5 से 10 रुपए हर पौधे पे जो वृद्धि हुई है। आएंगे जिसमें अभी अम्रपाली है, लंगड़ा है, मलिका है, बाकी कटहल, नींबू, अमरूद के आएंगे, संतरा, मौसम्बी है, सब अलग अलग नर्सरियों से आएंगे। लोगों से अपील है कि जो बाहर जैसे आते हैं बेचने वाले या बस अड्डे वगैरह पे गांव में आते हैं, तो उनसे पौधे ना लें, क्योंकि वो सब ठगने वाले ही हैं। तो यहाँ उद्यान विभाग द्वारा जो है गाँव पे पौधे बेचे जा रहे हैं, तो लोगों से अपील है कि वो यहाँ से अच्छे किस्म के पौधे जो है खरीद सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।